एंड ओह उड़ा देगी तुमको, उड़ा देगी। Hey, good morning everyone and welcome back to Orbit Travel. क्या मजेदार मॉर्निंग है, मजेदार मतलब एकदम पागलों जैसी हवा रात भर आप लोगों को अभी से तो एकदम गजब ही हो गई है ना, पागल हो गई है। ऐसा नहीं कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, ऐसा कुछ है, सिर्फ हवा है एंड देन भयंकर हवा है। दिखा रहे हैं आप लोगों को, सुनाते हैं आपको दिखाने के साथ साथ, है ना। आवाज तो आ रही होगी शायद थोड़ी बहुत, बट अच्छे से सुनाते हैं आपको। एंड उड़ा देगी तुमको, उड़ा देगी। इट्स जस्ट क्रेजी हवा एकदम। आवाज सुनाई दे रही होगी मोस्ट लाइकली, है ना। भयंकर आवाज है, भयंकर हवा है, भयंकर हवा। एंड ये है हमारा लिविंग स्पेस। ये हम पानी का जार लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स है नहीं करके। एंड इधर है किचन जहाँ पे सौम्या अभी चाय बना रहा है। इट्स टी टाइम। एंड यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है अगर किसी को यूज करना हो तो। एंड उस तरफ है अपना बेडरूम। तो ये है बेड एंड इधर है एक कबोर्ड एंड दिस इज द वॉशरूम। एवरीथिंग इज प्रिटी नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा जैसे होना चाहिए ना, एकदम मतलब नीट एंड क्लीन जैसे बोलते हैं। एज गुड एज एनी क्रिएटर होते हैं, यस इतनी सही है, इतनी सही है। तो अभी क्या मॉर्निंग हुई है, पागल जैसी हवा चल रही है, आप लोगों ने ग्लिम्स देखा, चक्कर लगा गया है। यस हम ही उड़ा दे थी एक पेड़ और ये आज ही ऐसा है, पता है हमारे साथ स्पेशल कनेक्शन है इस ट्रिप का, हो सकता है मतलब हमारा जो भी उड़ता है वो किसी को उड़ा ले जाता है। कल से तो वही हो रही है। तो लेट्स सी, अभी तो बस 7 बज रहे हैं, हम चाय वाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं, देखते हैं दिन का क्या प्लान है। एंड ये है अपने गेस्ट हाउस का बाहर से व्यू। इसका नाम है डोंडेलिंग गेस्ट हाउस। इसका डिटेल्स मैं दे दूंगी स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में। एंड सामने जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर एक स्तूपा भी है, बहुत ही सुंदर है। एंड इधर साइड में एक पेड़ गिर गई है शायद हवे से, माय गॉड। एंड ये वाली पेड़ भी शायद गिरने के कगार में है, ये लोग बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हवा तो मानो ऐसी है कि उड़ा के लेके जाए, एकदम क्रेजी क्रेजी विंडी। तो भाई साहब सब कुछ करके ब्रेकफास्ट सब करके हम आ गए बिच्छू में। जगह बहुत अच्छी है, स्टे वाइज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। आज मौसम कल रात से एक्चुअली बहुत खराब है, आप लोगों ने सुबह के क्लिप्स देखे, इट वाज क्रेजी विंडी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं है एंड मौसम का कोई क्या कर सकता है। जैसे हमने बोला स्टे वाइज जगह बहुत अच्छी है, बट फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्लेस, एक ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करते ये लोग, तो आपको बाहर निकल के कैफे ढूंढ के ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। द सेकंड, हॉट वाटर फैसिलिटी नहीं है, एज की माउंटेन वाली जगह है तो पानी यूजुअली ठंडा ही रहती है, और मौसम जब ऐसा हो तो ऑब्वियसली चांसेस के तुम आपको कोई भी गर्म पानी ना मिले। राइट,
फिर बेसिक फैसिलिटीज रूम पे ट्रैवल प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जब आप बुक करो तो ये सब चीजें ध्यान में रखें, है ना। तो ये सब जो सेकंड टाइम आएंगे ऑब्वियसली दे नो कि क्या क्या यहाँ पे नहीं है, तो इट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम उनके लिए। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फ्यू थिंग्स, ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप बच्चे या एल्डरली के साथ आ रहे हो तो आपका जो भी आदत रहेगी उन लोगों की उसको अकोमोडेट करने के लिए अपने हिसाब से तैयारी करके आओ। वरना जगह वाइज ब्यूटीफुल प्लेस, नीट एंड क्लीन एंड द सराउंडिंग आल्सो अमेजिंग, क्योंकि इतने खुले जगह को उन लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से रखा हुआ है, करके रखा है, रूम्स भी एकदम क्लीन थे, है ना, एकदम बढ़िया। मतलब तो रूम के चार्जेस हमने तो वो स्वीट वाला लिया था, आपने देखा, विद लिविंग रूम, किचन एंड बड़ा सा बेडरूम, दैट इज 2000 बक्स और ये वीकेंड का प्राइस है ना, राइट। तो बाकी उनके एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम है और एक डिलक्स रूम है, उसके प्राइसिंग आई थिंक 1000-1500 वैसा कुछ है। एनीवे आप कॉल करके चेक कर लेना, कॉल करके ही इनको बुक करना होता है, मैं डिटेल्स दे दूंगी स्क्रीन में। तो कुछ नहीं, बहुत ही छोटी सी जगह है, हम थोड़ा सा विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा स्तूपास है उनको थोड़ा देखते हैं, देख के फिर हम निकलेंगे यहाँ से, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, चलो। ये हम एक मॉनेस्ट्री के पास आए हैं, बट हाँ मॉनेस्ट्री तो बंद है, तो बस बाहर से ही थोड़ा सा सराउंड दिखाते हैं। एंड वहाँ पे एक आगे पूरा स्तूपा बना हुआ है, वहाँ चलते हैं, चलते हैं, बहुत सुंदर है एकदम, है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो चलो उधर चलते हैं, यहाँ का आपको एक क्विक सा सराउंड दे देते हैं बस। दिख रहे घूम पे हमारे पीछे कितने सारे गुंबद है, 7 गुंबद। तो उसी मॉनेस्ट्री के पीछे है ये, अमेजिंग सराउंडिंग, बढ़िया, मतलब जितनी तारीफ करो कम है, और सही है ये, है ना। आज ये मौसम के चलते थोड़ा सा और सुंदर दिख रही है, ओवरकास्ट होने पे ये सब चीजें और थोड़ी ज्यादा खुल के दिखती है ना। यस यस यस। तो हम थोड़ा सराउंड एंजॉय करते हैं, फिर चारों तरफ और 2-3 ऐसे मॉनेस्ट्रीज दिख रही है, तो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, चलो। सो ये रास्ते में जाते जाते अनदर मॉनेस्ट्री, इसका नाम है रीपा वर्मा मॉनेस्ट्री, और दो नाम है बीच में, सामद्रुप चोखली समथिंग करके, बहुत बड़ा लंबा नाम है, गेट में देख लेना। सो अमेजिंग प्लेस, क्या सुंदर बनाया है इसको, पूरा एकदम सजा के रखा है, बाहर तो सही देख के ना ऐसे बढ़िया लग रहा है, अभी हम चलेंगे अंदर, है ना। तो अंदर चलो, अंदर दिखाते हैं। एंड ये हम आ गए मेन मॉनेस्ट्री के पास, इसका नाम है डिजोंगचेन मॉनेस्ट्री। डिजोंगचेन मॉनेस्ट्री ये एकदम ऊपर है, आपको रास्ते से कहीं से भी दिख जाएगी सीरीज ऑफ स्तूपा एंड गोल्डन टेम्पल।
रूफ जो है. यस. तो चलते हैं, यहाँ से सराउंडिंग इज ब्यूटीफुल. जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बट हवा जो है वो सराउंडिंग जैसी है. माय गॉड. तो सराउंडिंग का ग्लिम्स देते हैं एंड देन चलते हैं मॉनेस्ट्री की तरफ. हाँ. चलो. हाँ, तो बढ़िया से हमने दर्शन कर लिया. सुंदर से मॉनेस्ट्री है, सुंदर से एकदम अंदर से भी बहुत ही सुंदर है. तो अभी भी आना इधर, तो यहाँ जरूर जाना. हाँ, ये तो मेन मॉनेस्ट्री है. तो अगर आप डोंडेली आ रहे हो तो दिस इज द मस्ट विजिट. सुंदर जगह है, बढ़िया टाइम लगेगी, बाहर का व्यू भी एकदम मस्त है ना. यस. सो कोई ना, अभी हम यहाँ से निकलते हैं. कितनी बज ली अभी? बन गए 12:45. तो यहाँ से हम वो डैम के पास चलते हैं, डैम को देखते हुए फिर ऑल द वे टू बेंगलुरु, घर ही चलेंगे बेंगलुरु. यस. पहले हमने सोचा था कि जाते हुए शिव समुद्रम देखेंगे, क्योंकि आज का मौसम को देखते हुए शिव समुद्रम आज नहीं जाएंगे, बट बहुत जल्दी आप लोगों को हम लोग शिव समुद्रम का करवाएंगे सर. और बढ़िया से एकदम. अब पिक टाइम है अभी, है ना? यस, अभी तो पानी है और कल हमने कावेरी में पानी देखा. यस यस. तो चलो यहाँ से निकलते हैं, एकदम डैम के पास जाके मिलते हैं. मेन रोड से ये हमने कोई कच्चा वाला रास्ता ले लिया है. अभी इसमें जानी है हमें 4.8 किलोमीटर टिल द डैम. तो इस डैम का नाम है गुंडाला डैम. गुंडाला, गुंडाला. तो देखते हैं, इसके थोड़े बहुत हमने देखे थे, अच्छी लगी थी देख के, तो हमें लगा लेट्स एक्सप्लोर. एंड ये हम पहुंच गए गुंडल डैम. सामने वो दिख रही है, ऊपर तक एकदम गाड़ी जाती है, क्योंकि हमने देखा गाड़ियां लगी हुई है ऊपर. और इधर से ट्रेल भी बना हुआ है, आपको जाना है तो आप चल के भी जा सकते हो. बट हम फिलहाल बिच्छू को लेके चलते हैं. एंड ये हम पहुंच गए डैम के पास. सराउंडिंग बहुत ही सुंदर है, एक बढ़िया सा वॉक बना हुआ है रोड यहाँ पे. यस, मस्त मिट्टी वाली पाथ है. अब आराम आराम से चल चल के जाओ, है ना? दिखाते हैं. एंड ये है डैम के ऊपर पूरा एकदम रास्ता बना हुआ है. उधर आगे एक व्यू पॉइंट भी है. हमारे पीछे है ना, मस्त है. यहाँ पे एक बढ़िया सी वो व्यू पॉइंट बनी हुई है. गुड, यहाँ पे आप जगह के हिसाब से ना, वेरी अनएक्सपेक्टेड. यस, इतनी अच्छी भी होगी है, स्पेशली द सराउंडिंग. सो हम थोड़ा सा सराउंड लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं. हाँ. हाँ,
जगह मतलब तारीफ थोड़ी करनी चाहिए, इट्स सॉर्ट ऑफ अ हिडन जेम बोल सकते हो। हिडन जेम ही है, हाँ, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, कुछ भी नहीं इवन आपको एंट्री एग्जिट के कोई चार्जेस भी नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कोई ना होने के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, बट अगेन प्लेस अच्छी है, प्लेस अच्छी है, अब अपना आओ अपना फोटोशूट करो, एग्जैक्टली exactly, यहाँ से क्रॉस कर रहे होगे तो आप आराम से यहाँ पे आओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, देन चल दो। तो हमने भी बस थोड़ा बहुत सराउंड लिया, आप लोगों को दिखाया, हम भी यहाँ से अभी चल देते हैं, तो चलो एकदम रास्ते में जाके फिर मिलते हैं। निकल लिए हम वहां से, अभी एकदम हमने लगा दिया डायरेक्ट घरी, विच इज 164 किलोमीटर, जस्ट 3 घंटे, क्योंकि कनकपुरा में जाने से मना कर रही है मैडम, है ना, कनकपुरा में बहुत जाम है, बहुत जाम, तो मैडम का कहना है कि अगर आप कनकपुरा लेते हो आपको कम से कम आधे घंटे और आधे घंटे, हाँ 40 मिनट्स ज्यादा लगेंगे जी। तो मैसूर एक्सप्रेस वे होके चलेंगे, कल जिससे आए थे वही मलावल्ली मद्दूर होके एक्सप्रेस वे टच करेंगे, आज भी वैसा ही, बस अभी कहीं पे एक मौका मिले तो लंच के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि 2:30 के आसपास बज रहे ऑलमोस्ट अभी, कनकपुरा रोड में मिल ही जाएगी, लेट्स सी, राइट, है ना, हाँ, तो वही कल जहाँ से कावेरी हमने क्रॉस किया था नदी, है ना, उसके आसपास तो कुछ ना कुछ मिल जानी चाहिए, लेट्स हाँ, क्योंकि वो गगनचुक्की भरतचुक्की दोनों ही वहीं पे हैं, शिव समुद्र के, है ना, सो चलो एकदम हाईवे के पास जाके फिर मिलते हैं, बीच में अगर और कुछ दिखता है इंटरेस्टिंग तो दिखाएंगे ऑब्वियसली। तो भाई साहब होटल अनुग्रह फैमिली रेस्टोरेंट खाने के लिए रुक गए थे हम कनकपुरा, 9:48 टच करते ही एक्चुअली भूख बहुत लग गई थी, अभी बज रहे ऑलमोस्ट 4 के आसपास, तो इसलिए जो हमें दिखा एक ढाबा टाइप हम वहीं पे रुक गए, बट गुड लुक्स के हिसाब से खाना वाज गुड, वेरी टेस्टी एक्चुअली, पराठा एंड चिकन कड़ी लिया था हमने, इट वाज यम। सो कुछ नहीं, अभी बस भागना है घर, 129 2:10 सिर्फ 2:10 तो नींद में भी चला लोगे, हाँ मतलब वो तो उससे ज्यादा हम चाय के लिए चले जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसी वाली बात, तो कोई ना चलो भागते हैं अभी, अभी थोड़ी देर में जाके मैसूर एक्सप्रेस पे टच करेंगे एंड देन बस ऑल द वे टू होम, करेक्ट। तो भाई साहब आके मिल गए एक्सप्रेस वे में, एग्जैक्टली आके मिल गए हम एक्सप्रेस वे में, यहाँ से अभी सिर्फ 74 किलोमीटर, 1:11 टू बी एग्जैक्ट, इसमें हाँ इसमें जाएंगे और फिर हमको हमारे फेवरेट नाइस रोड में मिलना है, इसमें 46 किलोमीटर, उसके बाद नाइस रोड, आराम आराम से, अभी क्या है मतलब एक्सप्रेस वे में भीड़ है, ऑब्वियसली संडे इवनिंग का जो भीड़ होना चाहिए वो है एक्सपेक्टेड, रिटर्न ट्रैफिक, बट स्टिल इट्स ओके, 100 की स्पीड लिमिट है, लोग 100 से ऊपर जा भी नहीं पा रहे हैं, कोई कर भी रहा है तो भी, बट हाँ सब लोग अपना अपना 100 में जा रहे हैं आराम आराम से, एक्सप्रेस वे में चलते हैं, फिर एक बार जब नेक्स्ट रोड टच करेंगे तब फिर मिलते हैं जाके, हाँ पहुंच गए हम हमारे फेवरेट नाइस रोड में, यस नाइस रोड, अभी बस और 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे घर, एक्चुअली नाइस रोड आज काफी चौका ब्लॉका है, एक्सपेक्टेड अगेन, राइट, सो कुछ नहीं आज तो बस अभी घर ही जाके पहुंचना है, तो ये बस छोटा सा एक 2 का वीकेंड ब्लॉग था, है ना, तो अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा है ना घंटी बजाओ और कैसा लगा वो कमेंट करके शेयर करो हमारे साथ, तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्रिप में।